हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो तो पता चल ही गया होगा बोर्ड पर देख करके, वाइट बोर्ड पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन आई, ठीक है। अब देखो, ये जो ह्यूमन आई है, ये जो पहला चैप्टर होता है उसमें क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देख लिए थे, उसके बाद ह्यूमन आई आता है, उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ना ये ह्यूमन आई होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, ह्यूमन आई सबसे पहले बात है, क्या ह्यूमन आई होता क्या है। तो देखो, ह्यूमन आई क्या है, जो गॉड गिफ्टेड बहुत सेंसिटिव ऑर्गेन है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, अपन जो ये कलरफुल वर्ल्ड है, जैसे मान लो ये जो ड्रेस का कलर है या फिर ये ब्लू कलर है, जो कलरफुल वर्ल्ड है ये अपन देख पाते हैं, ठीक है। और सेंस ऑर्गन्स में एक है ह्यूमन आई। अब देखो इसमें क्या है, क्या क्या ना, जो अपना जो ह्यूमन आई में जो एक ह्यूमन आई जो है वो देखो कैसा वर्क करता है, कैमरा की तरह वर्क करता है। इसमें कैमरे में लेंस होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई में भी क्या होता है, लेंस होता है। अब जब तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो पता ही होगा कि कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस क्या होता है। तो अपने आई में क्या होता है, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अपना जो आई पे जो वहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन होता है कैमरा में, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होता है, वो क्या होता है, एज ए स्क्रीन बिहेव करता है। अब देखो इसका यहाँ पर क्या है कि अपने को क्या है कि आई है ना, मतलब इसका मतलब ब्यूटी देखो, अपने को है ना, मतलब है ना, मतलब दूर का भी ऑब्जेक्ट दिखता है सही। जैसे मान लो कोई इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी तो अचीवेबल नहीं है, लेकिन मान लो जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, स्टार्स बहुत दूर है तो वो भी अपने को दिखते हैं अच्छे से। और जो पास में, जैसे मान लो इस मार्कर पे क्या लिखा हुआ, बुक्स, ठीक है, तो वो भी अपने को दिखते हैं। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, ठीक है। बिना आई के लाइफ मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत अजीब हो जाता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले तो क्या है, मैंने ना एक रफ डायग्राम बना दिया। एक तो पहली बात क्या, अपन यहाँ जो देखेंगे वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब क्या, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी होता है आई का, वो तो पता है, वहाँ पे तो आई का सर्जन या फिर कुछ बनना है तो स्पेसिफिक है बायोलॉजी के लिए। यहाँ अपन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लिमिटेड देखेंगे, बस जितना जो अपने काम का है उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक तो मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अब मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ और नाम बता करके मैं उसको वर्किंग भी साथ ही साथ बताते चलूँगा। तो देखो ये क्या आई है। अब देखो यहाँ जो पहले जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल आउटर मोस्ट जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक्वस ह्यूमर, AQUEOUSHUMOUR। उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये है प्यूपिल, ये जो बना रखा है ब्लैक, ये क्या है, आइरिस, ठीक है, आइरिस यहाँ पर होता है। और ये जो है, ये क्या बना रखा है, देखो ये जो बना रखा है ये ब्लैक, सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये जो है कन्वेक्स लेंस बताया ही था, लेंस होता है, तो ये क्या, क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो क्या रेटिना है, ठीक है, जो पीछे होता है आई बॉल में, उसको रेटिना, ये पूरा आई बॉल है अपना। और ये देखो यहाँ पे क्या फील होता है, एक लिक्विड फील होता है, यहाँ पर भी एक लिक्विड फील होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। यहाँ जो लिक्विड फील होता है थिक, उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। यहाँ ऑप्टिक नर्व है। और यहाँ पे क्या होता है, एक है ना रॉड एंड कोन सेल्स भी होते हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। और फिर है ना, मतलब जो एक होता है ना ब्लैक स्पॉट होता है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, जो अपन देखते हैं आई को, जैसे टच जो करते हैं आई, जैसे ये आई है तो उसको जो टच किए, तो जो टच करते हो जो पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन मतलब ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक लेयर होता है आई पे, जो क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसको कॉर्निया कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अब देखो जैसे तुम टच करते हो तो थोड़ा क्या होता है, वेट टाइप का मतलब फीलिंग होता है आई को, तो क्या होता है वहाँ पे एक है ना, और टीयर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, एक है ना ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील होता है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद देखो, जैसे मान लो ये आई बनाया, ठीक है, जैसे मान लो देखो मैंने आई बनाता हूँ, ठीक है, आई बनाया, मान लो आई बना दिया, आई क्या बनाऊंगा, ये देखो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, जो बिल्कुल जो डॉट होता है इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है आई में, इसको प्यूपिल कहते हैं,
यहाँ से क्या होता है, ये बेसिकली एक होल होता है जहाँ से लाइट क्या होता है एंटर करता है अपने आई में, ठीक है, यहीं से लाइट एंटर करता है आई में अपना। उसके बाद देखो इसके साइड जो रहता है, एक होता है डायफ्राम होता है, झिल्ली टाइप का होता है, कलरफुल होता है। जैसे मान लो USA में देखो तो थोड़ा ब्लू टाइप का दिखेगा, या फिर है ना मतलब जैसा बोलते हैं सॉरी जो है बॉलीवुड उसका ग्रीन टाइप का है, मेरा जैसे ब्राउन है हल्का ब्राउनिश टाइप का है, किसी का ये चीज़ ब्लैक होता है तो बोलते हैं अलग अलग होता है कलर। अब देखो इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो स्कैन लेते हैं, ठीक है, तो रेटिना स्कैन नहीं लेते, वो आइरिस का ही स्कैन लेते हैं। वो क्या होता है, जितना भी पर्सन है ह्यूमन बींग है उसका सबका अलग अलग होता है, उसमें सब में क्या होता है थोड़ा डिफरेंट होता है उसका, तो इसी का अपन स्कैन लेते हैं। आधार कार्ड में भी जो लेते हैं उसमें इसी का स्कैन लेते हैं, ठीक है, आइरिस का। अब देखो आइरिस क्या होता है, एक तो आइरिस तो एक तो डायफ्राम हुआ, झिल्ली टाइप का हुआ जो कलरफुल होता है, दूसरा क्या होता है आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है। मतलब जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्सपेंड होकर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब देखो जैसे मान लो ये अभी आइरिस है, ठीक है, अभी ये इस टाइप से है, बाद में जैसे मान लो देखो मैंने एक और आई बनाता हूँ दूसरा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ इस टाइप से, यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्यूपिल का साइज छोटा है, यहाँ प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया। अब देखो होता है क्या, आइरिस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आइरिस एक्सपेंड कर गया। एक बात और फैक्ट बताता हूँ, जो आई बॉल का जो साइज होता है ना, वो जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब वो जन्म लेता है उससे जब तक वो मरता है आई बॉल का साइज बड़ा नहीं होता है वो, जितना देखो बच्चे का देखो, कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं उसे क्या होता है आई बॉल देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं आई, क्यों, क्योंकि उसका साइज क्या होता है टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, आइरिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ आइरिस एक्सपेंड हो गया। देखो ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि डे का टाइम है, तो डे के टाइम में तुम देखते होगे, जैसे मान लो कि ना एक सिचुएशन बताता हूँ, जैसे मान लो है ना तुम डे के टाइम में मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, तो थिएटर में जैसे तुम एंटर करो तो तुमको मतलब सडनली तुम्हें कुछ दिखने नहीं लगता है, बाहर तो सब कुछ दिख रहा है, दिखने नहीं लगता है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है तुम्हें सब कुछ जब आई एडजस्ट करता है तब तुम्हें दिखता है। जैसे मान लो लाइट चला जाए, ठीक है, तो तुमको सडनली कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है दिखने लगता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो जब बहुत लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होता है अपने को। देखो दिखता कब है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट अपने आई में एंटर होता है तब अपने को दिखता है, तो ये क्या होता है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे मान लो नाइट का टाइम है, तो नाइट के टाइम में क्या होता है आइरिस थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। जैसे मान लो तुम डार्क थिएटर में एंटर किए तो क्या होगा आइरिस एक्सपेंड कर जाएगा, ताकि क्या हो जितना भी लाइट है उस ज़्यादा से ज़्यादा आई में एंटर हो, अपने को जो थिंग्स है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आइरिस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हुआ। जैसे मान लो ये क्या हो गया ड्यूरिंग डे टाइम, ये क्या हो गया नाइट। अब वापस से आ जाते हैं, आइरिस का काम समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करेगा आई में उसको कंट्रोल करता है, समझ में आ रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट जितना आई में एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है। दूसरा देखो उसके बाद फिर क्या आता है, एक आता है सिलियरी मसल्स, यहाँ देखो जो लेंस है इसको अपने जगह पे फिक्स रखता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सिलियरी मसल्स। यहाँ देखो ये सिलियरी CILIARY सिलियरी मसल्स। अब देखो इसे क्या करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिस तरीके से देखो मान लो एक समय लेंस को ऐसा कर देगा, एक समय लेंस को ऐसा कर देगा, समझ लो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दबा दिया लेंस को ऐसे, फिर एक बार एक्सपेंड कर दिया। अब देखो होता क्या है जनरली कि जो अपना जो आई है ये बोला ही मतलब गॉड गिफ्टेड मतलब बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट मतलब ऑर्गन्स हैं। अब देखो होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो अपन ये मार्कर भी देख पा रहे हैं सही से, और जो दूर में ऑब्जेक्ट है वहाँ पे सन मून स्टार्स वो भी अपन सही से देख पा रहे हैं, लेकिन देखो लेंस में जो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वहाँ पे 6 केसेस बताया था, जब बताया था एक बार लाइट इन्फिनिटी पर रहता है, एक बार बियॉन्ड 2f1 होता है, एक बार 2f पे होता है, फिर एक बार f 2f के बीच में होता है, एक बार f पे होता है, फिर f और ओ के बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, 6 केसेस बताया था, एक बार रिमाइंड कर लो चाहो तो वो लेक्चर देख लेना उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देखो उसमें क्या होता था कि ना
ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ रखते थे इमेज भी कहीं कहीं अलग अलग बनता था, समझ रहे हो? पोजिशन ऑफ इमेज भी क्या होता था, चेंज होता था। चाहो तो वो लेक्चर तुम देख सकते हो, तो चेंज होता था। तो अब लेकिन क्या होता है कि आई में अपना कोई ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं है, समझ रहे हो? मतलब इससे मान लो यहाँ पे क्या है कि जो जो रेटिना है इसको कहते हैं स्क्रीन, ठीक है। ये जो पीछे होता है इसको कहते हैं रेटिना। यहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है। कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो अपन देखते हैं इमेज, जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और को देख रहा हूँ, तो उल्टा बनता है। जैसे मान लो ये पर्सन को ऐसे है, ठीक है, जब आई के अंदर जो इमेज बनता है वो ऐसे उल्टा बन जाता है, ठीक, उल्टा बनता है। लेकिन क्या होता है, अपना ब्रेन है ना बहुत इंटेलिजेंट है, पता है, ये सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा मतलब तेज चलता है, या फिर मतलब उसकी मतलब एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, सब चीज़ को अपने अकॉर्डिंग है ना वो है ना एडजस्ट करके देख लेता है। वो ब्रेन बता देता है, नहीं नहीं ये उल्टा नहीं, ये सीधा है, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अपने आई का क्या है, खूबी है। अब देखो रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, तो मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा यहीं पे रहेगा, समझ रहे हो? वी पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा यहीं पे रहेगा। और ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इन्फिनिटी में रखो, कहीं पर भी रखो, तो इमेज हमेशा यहीं बनेगा। तो देखो ये जो मतलब जो एक मतलब ये जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, मतलब समझ रहे, ये जो मतलब एक स्पेसिफिकेशन है वो क्यों आता है, क्योंकि देखो सिलेरी मसल से कारण आता है। वो क्या करता है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, जिससे क्या होता है, इसका फोकल लेंथ जो क्या होता है, जो यहाँ फोकस है इसका, यहाँ पे देखो लाइट रे, इसको फोकस कहते हैं ना, जैसे मान लो ये लेंस है तो इसको फोकस कहते हैं, यहाँ पे यहीं पे इमेज बनता है। तो इसका जो फोकस होता है, जहाँ पे इमेज बनाएगा, ये हमेशा इसको यहीं पे रखता है फिक्स करके, रेटिना पे ही। मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना, मतलब वी फिक्स कर दिया, यू कहीं भी रखो तुम। तो ये सिलेरी मसल्स के कारण पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स के बारे में बता दिया। अब देखो क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये लेंस क्या होता है, थिन लेंस होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है एक, बेसिकली मतलब एक मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का कोई, मतलब समझ रहे हो ना, डायफ्राम ही वो होता है, ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। रेटिना बता ही दिया, अब देखो आइरिस बता दिया, पिपिल। अब यहाँ देखो, यहाँ इस पोर्शन में क्या भरा होता है, एक थिक लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है, शेप ऑफ आई जो होता है उसको भी मेंटेन करता है, आई बॉल का जो शेप है। अब देखो ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, देखो जितना जो इमेज बना, ठीक है, तो इसको क्या होता है, जो ऑप्टिकल नर्व है जो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में अपने ब्रेन में भेजता रहता है, समझ लो, जितना भी इमेज बना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो होता है नर्व सेल में होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, उसको ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजते रहता है, हाँ तुम ये देखें, हाँ तुम ये देखें, तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखते हैं, बहुत ख़राब चीज़ भी देखते हैं, तो ये बताता रहता है ब्रेन को, यहाँ से मैसेज जाता है, ठीक है। अब देखो रेटिना पे यहीं पर क्या होता है, रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। रॉड मतलब रॉड टाइप का सेल्स, रॉड इस टाइप का, कोन मतलब कोन, ट्रायंगुलर टाइप का सेल्स होता है। अब देखो रॉड सेल्स जो होता है वो इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, कम इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी, उसके लिए क्या होता है, रॉड सेल्स। कोन सेल्स होता है, CONE, कोन सेल्स, तो कोन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो वो कलर को डिटेक्ट करता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पर्सन को क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें क्या होता है, वो कोई स्पेसिफिक कलर, जैसे मान लो वो बहुत सारा कलर है उसमें रेड वो नहीं देख पाता है, ठीक है, या फिर मान लो ब्लू नहीं देख पाएगा, या फिर मान लो ग्रीन नहीं देख पाएगा। तो क्या होता है, किसी किसी पर्सन को जेनेटिक या फिर बाय डिफ़ॉल्ट बर्थ से ही क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोन सेल्स जो होता है डेफिशिएंसी हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस होने का क्या है डिसएडवांटेज, कि एक तो क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस उसका टेस्ट में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है, क्यों, क्योंकि मान लो सिग्नल रेड हो गया, अब तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो वो नहीं देख पाते, एयर पायलट बनना या फिर असिस्टेंट लोगों को, पायलट जो ट्रेन है, सब चीज़ में दिक्कत होता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट बनता है, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंड करता है, मतलब आई से एंड करता है, इस पॉइंट पे एक है ना ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखो कभी कभी तुम है ना कोई नोटबुक देखते होगे, तो उसको क्या, जब पीछे देखते होगे तो उसमें है ना ऐसे ऐसे लाइंस बने रहते होंगे, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं, उसमें क्या होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं इस टाइप से। अब वो बोलता है क्या है? लिखा रहता है क्या क्या ना, तुम्हें ना नोटबुक को इतना पास लाओ तो तुम्हें क्या होगा, एक जो डॉट है ये बंद हो जाएगा दिखना। अब देखो होता है क्या है, वहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ठीक है, मैजिक नहीं हो रहा है, ठीक, फिजिक्स मैजिक, ठीक है, तो कोई मैजिक नहीं हो रहा है वहाँ पे। हो क्या रहा है कि जैसे मान लो है ना, जैसे अपन है ना एक सर्टेन डिस्टेंस पे लाते हैं, ठीक है, आई के ऑब्जेक्ट को या फिर ये जो नोटबुक है, उसमें क्या होता है, जो पहले तो बन रहा है अपने को दिख रहा है रेटिना पे, यहाँ यहाँ बन रहा है, इमेज दिख रहा है, यहाँ बनेगा सब जगह दिखेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर बनता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट जिसको कहते हैं, वहाँ पे क्या डिसअपियर हो जाता है वो वाला पॉइंट, अपने को क्या लगता है जादू हो गया, मैजिक हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई ये बना रखा है। वर्किंग तो मैंने सारा का बता ही दिया करीब करीब, अब इसको क्या है कि ना लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसको मैं अब लिखा देता हूँ, नोट करो। अब देखो जो अभी बताया उसी का डेफिनेशन देखो, कॉर्निया, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। जो फ्रंट ऑफ द आई जो अपन टच करते हैं वो क्या है, कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। आइरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, इट इज़ अ कलर्ड डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है, बता दिया ना जो कलर्ड डायफ्राम झिल्ली जो होता है। प्यूपिल, इट इज़ अ स्मॉल होल थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखता है स्पॉट आई में वही है ये। सिलियरी मसल्स, दिज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजिशन, इट ऑल्सो एडजस्ट द फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। रेटिना, इट बिहेव्स लाइक द स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन, मतलब ये स्क्रीन की तरह, अब देखो रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, ये जो इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, रियल इन्वर्टेड इमेज, तो उसके लिए स्क्रीन तो चाहिए ना, तो वो कौन बिहेव करता है, रेटिना बैक में होता है, ठीक है, आई बॉल। ब्लाइंड स्पॉट बताए, जहाँ पे इमेज फॉर्म अगर कर गया तो वो दिखता नहीं है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। इट इज़ अ पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन, इसको भी नोट करो, उसके बाद जो रेस्ट है उसको लिखा देता हूँ। अब देखो जो बचा हुआ था, आई लेंस, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल, कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। एक्वस ह्यूमर, इट इज़ अ क्लियर लिक्विड विजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड, ठीक है, जो पीछे होता है लेंस के पीछे और रेटिना तक होता है उसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब देखो एक टर्म है पावर ऑफ एकोमोडेशन, इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं, सीधा पूछ लेता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे, क्या बताओ पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो तुम्हें बता ही रखा है पहले भी, सुन लो वापस से, अभी जस्ट बताया था, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज कहाँ बनना है, रेटिना पे बनना है, मतलब जो लेंस जो होता है वो इमेज को कहाँ फोकस करेगा, रेटिना पे, इसी का जो मतलब इसको पावर को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेट करता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, सिलेरी मसल्स, कुछ एक्सटेंट तक बताया था, जो सिलेरी मसल्स होता है वही खींच लेता है, तो उसको क्या करता है मतलब थोड़ा एक्सपेंड कर देता है लेंस को और दाब देता है, क्या होता है थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है लेंस को, ठीक है। तो देखो द इमेजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स of different distances from the eye are brought to focus on the retina by changing the focal length of the eye lens, modified to some extent by ciliary muscles. तो इसको क्या कहते हैं इस power को, इसको कहते हैं power of accommodation. इसको भी note करो। अब देखो ये क्या है, थोड़ा theoretical chapter है तो अपने को थोड़ा adjust करना पड़ेगा, इसमें numericals क्या है, ना के बराबर है, हाँ defect of eye जब देखेंगे तो उसमें numericals होते हैं, myopia, hypermetropia, बस एक एक formula पे numericals से बहुत easy है वो हो जाता है। तो देखो अब क्या है, तीन point यहाँ देखना है, near point, far point और least distance of distinct vision, ठीक है, जो hashtag बनाता हूँ मैं, तो ये topic है, मतलब near point, अब देखो near point क्या होता है, नियर पॉइंट आई के वो पॉइंट है जहाँ तक कि आई क्या हो, बिना कि किसी स्ट्रेस के या स्ट्रेन के, मतलब ब्रेन पे बिना किसी, मतलब आई में या बोलो या ब्रेन पे बिना किसी स्ट्रेस या स्ट्रेन के वो क्लियरली देख सके उस चीज़ को, डिस्टिंक्टली देख सके,
तो उसको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। अब देखो नॉर्मल आई जो एडल्ट होता है तो जिसका आई बिल्कुल सही है, तो उसके लिए नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसी को क्या कहते हैं अपन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है सबके लिए होता है, यहाँ यहाँ इंडिया में ले लो, यूएसए में ले लो, यूरोप में ले लो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहीं भी ले लो, एशिया में ले लो, सब जगह क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखो, और देखो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट वो फार पॉइंट जहाँ तक कि क्या है, आई जो है बिना किसी स्ट्रेस या स्ट्रेन के देख पाए, ठीक है, बिना किसी दिमाग पे जोर लगाए हुए देख पाए, तो आई पे, तो उसको क्या कहते हैं, फार पॉइंट। अब देखो फार पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब जैसे इन्फिनिटी तो देखो अचीवेबल है नहीं, लेकिन तब पर भी बहुत दूर, ठीक है, स्टार से भी जो लाइट आता है अपने को दिखता है, ठीक है, जो बहुत दूर है स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं वहाँ से भी दिखता है, तो क्या वो फार पॉइंट क्या मानते हैं, अप्रॉक्स टू क्या, इन्फिनिटी मानते हैं। एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कोई नहीं जानता है कहाँ है। अब देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही चीज़ है, नियर पॉइंट है, ठीक है, इसी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको जल्दी से रीड कर देता हूँ और तुम देख लो, नियर पॉइंट द नियरेस्ट पॉइंट एट विच अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बाय द आई इज कॉल्ड द नियर पॉइंट, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख पाए, बेसिकली क्या होता है, रीडिंग करते हैं। अब क्या होता है, जैसे एज बढ़ता जाता है, 60+ चले जाओ, तो क्या होगा, देखते होगे क्या कि तुमको जो पढ़ते हैं तो वो पीछे करके पढ़ते हैं। अभी अपन क्या है, इतना दूर भी ले आओ तो अपने को दिखता है 25 सेंटीमीटर, उसके अंदर भी ले आओ तो स्ट्रेस लगता है, थोड़ा सा ब्लर्ड होता है हल्का सा, पर दिखता है। लेकिन क्या होता है, जब एज्ड पीपल है, ठीक है, जो बूढ़े हो गए थोड़ा, उसको पीछे ले जाना पड़ता है 200 सेंटीमीटर तक, करीब करीब 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है उसका नियर पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल डी। फार पॉइंट द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आवर आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई इज कॉल्ड फार पॉइंट। फॉर अ पर्सन विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई। फॉर नॉर्मल पर्सन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसको भी नोट कर लो, थ्योरेटिकल है। अब देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम द साइट। द इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम द साइट। दिस कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सेंसेशन ऑफ आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये तो क्या था, डेफिनेशन बुक इस लैंग्वेज। अब देखो इसको समझते कैसे हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कभी कभी देखते हो क्या किया ना, होता रियली में क्या है कि जैसे मान लो ये हाथ है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको हटा दिया, तो जैसे मैं इसको हटाऊँ रिमूव करूँ तो जो अपना ये जो रेटिना पे इसका इम्प्रेशन बन गया या सेंसेशन बन गया, मतलब हैंड का या फिर इस पर जो रिटन है कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली फेड नहीं करता है, गायब नहीं होता है। इसको फेड करने में कितना टाइम लगता है, 1/16 सेकेंड, समझ रहे हो, 1/16 सेकेंड बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि है ना, जो टाइम लगता है 1/16 सेकेंड, जिसके कारण क्या होता है कि ना, मतलब तुरंत फेड नहीं करता, इसी को क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लो एक तारे ज़मीन पे मूवी देखे होगे, उस पर क्या है, जैसे मान लो ये कॉपी लिए थे, जैसे मान लो ये नोटबुक लेते हैं ऐसे, ठीक है, नोटबुक लेते हैं और उसमें क्या किया गया था, जैसे हर पेज पे ना कुछ कुछ ना फिगर बनाया गया था और उसको ये ऐसे किया गया, तो देखो मतलब सही से किया गया ऐसे करके, मतलब तो उसमें क्या होता है कि जो जो सारा जो पिक्चर है वो एक जैसा क्या होता है, चलने जैसा दिखने लगता है, ठीक है। अब देखो होता है क्या, रियली में जो मूवी बनते हैं तो मूवी जो चलता है वहाँ पर भी क्या होता है, जो इमेज जो होता है वहाँ पर भी क्या होता है, जो नेगेटिव होता है, वैसे ये रील कहते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो चलता रहता है, ठीक है, अब वो अपने आई के पास से ऐसे गुजरता है कि 1/16 सेकेंड से पहले गुजर जाता है। मतलब जैसे मान लो ये मैंने हाथ रखा, हटा लिया, तो 1/16 सेकेंड तो ये मेरे रेटिना पे सेंसेशन बन गया इसका,
ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लो 1/16 से पहले ही, 1/16 सेकंड के पहले ही मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले आऊँ उसके सामने, आई के सामने, तो ये क्या होगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। जो इम्प्रेशन बना वो उसको फेड करने के लिए 1/16 सेकंड लगता है, लेकिन 1/16 सेकंड के पहले ही अगर मैं दूसरा चीज़ ले आऊँ, ऑब्जेक्ट ले आऊँ, तो क्या होगा कि वो उसमें जुड़ जाएगा, मतलब वो फेड भी नहीं होगा और दूसरा इमेज रेटिना पे बन जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूएंस हो जाता है, मतलब समझो एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है। मूवी में भी क्या होता है, जो ऐसे रील पास करता है ठीक है उसके सामने से, तो क्या मतलब जो लेंस होता है उसके सामने से पास करता है, उससे क्या होता है कि वो उतने स्पीड से कराया जाता है कि जैसे मान लो ये ऐसे मैंने हाथ ऐसे 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 किया, तो ये क्या होता है हर इंस्टेंट पे क्या होता है फ़ोटो खींचा हुआ रहता है, मतलब इमेज लिया हुआ था, पिक्चर लिया हुआ रहता है, और उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से पास किया जाता है, तो जिससे अपने को क्या लगता है कि ये हाथ हिल रहा है ऐसे, ठीक है। वो जो अपन देखते हैं मूवी देखते हैं या फिर ना थिएटर में मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज करते हैं। 1/16 सेकेंड तक क्या होता है फेड नहीं करता है इमेज, जो रेटिना पे बना रहता है, ठीक है। इसको देख लेना डेफिनेशन। अब देखो कैटरैक्ट, अब देखो इस लेक्चर के बाद, अभी तो नहीं, इस लेक्चर के बाद अपन देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। देखो बेसिकली 5 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेस बायोपिया, एस्टिगमेटिज्म और कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट अपन यहाँ देख रहे हैं, और जो बाकी जो भी चार बोला इसको क्या नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाला में देखेंगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, थोड़े कैलकुलेशन होते हैं और उसमें डायग्राम भी बनता है, ठीक है, मतलब फिगर बनता है उसमें, तो वो देखेंगे। तो कैटरेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो लेंस होता है उस पर एक है ना हेजी टाइप का, मतलब ट्रांसलूसेंट टाइप का एक लेयर है ना डिपॉजिट हो जाता है एज के साथ साथ। ये एज के साथ साथ होता है, बच्चे को कभी नहीं होता है। अब जैसे मान लो जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, मेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया देखते हुए बच्चे लोगों को चश्मा लग जाता है बहुत कम एज में, मतलब स्पेक्टिकल्स लग जाता है। लेकिन ये क्या होता है कैटरेक्ट, ये चश्मा से ठीक नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स से ठीक नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है सर्जरी कराना पड़ता है। अब वो जो लेयर डिपॉजिट हो गया है लेंस के ऊपर, उसको क्या कैसे हटाते हैं, सर्जरी से हटाते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है इजिली क्योरेबल है अभी, sometimes due to formation of membrane over the crystalline lens of some people in the old age, the eye lens become hazy। एक membrane बन जाता है, ऐसे hazy हो जाता है, hazy समझ, तो hazy weather, तो hazy type का हो जाता है, और even opaque। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो दिखता ही नहीं है कुछ। This is called cataract, it can be corrected by surgery leading to normal vision। मतलब इसको सर्जरी करा लो तो आराम से एक नॉर्मल लाइफ पर्सन स्पेंड कर सकता है। तो ये आज का लेक्चर था, और अभी इसको यहीं एंड करते हैं। और अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करो, तो ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करो। और अगर मान लो कोई मतलब इससे इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।